टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णुर भोक्ता देवो महेश्वरः। ये कहा गया है कि अन्न जो है वो ब्रह्म के समान है। हमारे आहार से ही ये तय होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा बनेगा, यानी आहार हमारे स्वास्थ्य का आधार है। हम बात करेंगे श्री अन्न की, यानी मिलेट्स की। मिलेट्स हमारे स्वास्थ्य के लिए किस तरह से उपयोगी हैं और क्या लाभ होते हैं इसके, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। इस रिपोर्ट पर नजर डालकर समझते हैं कि क्या होते हैं श्री अन्न यानी मिलेट्स और किस तरह से उपयोगी होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। स्वस्थ जीवन के लिए आहार का विशेष महत्व है। हम क्या खाते हैं इससे निर्धारित होता है कि हमारा स्वास्थ्य कैसा होगा। स्वास्थ्य को बेहतर रखने और सेहतमंद रहने के लिए बेहद उपयोगी हैं मिलेट्स। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सही पोषण की आवश्यकता होती है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज फाइबर खनिज और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो शरीर को सही पोषण प्रदान करता है। सभी उम्र के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती चेतना के कारण मिलेट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर अनाज की मांग तेजी से बढ़ रही है। मोटे अनाज कई तरह के व्यंजनों में उपयोग किए जाते हैं। मिलेट्स का सेवन करने से कई स्वास्थ्य लाभ हैं। मिलेट्स शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, आंतों को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं मिलेट्स। स्वस्थ हृदय के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वजन नियंत्रित रखने में उपयोगी होते हैं मिलेट्स और बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। आहार में स्वाद के साथ पोषण का भी विशेष ध्यान दें। आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार मिलेट्स का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए उत्तम आहार माना गया है। अपने आहार में मिलेट्स को शामिल करें, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और आपका स्वास्थ्य बेहतर बने। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कहते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन, वैसा रहे तन। अन्न का विशेष महत्व है हमारे स्वास्थ्य के लिए, किस तरह से उपयोगी है, और खास तौर पर मिलेट्स की अगर बात करते हैं, उनसे क्या स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं उन लोगों को जिन्हें बीमारियां हो चुकी हैं, और किस तरह से श्री अन्न बचाव कर सकते हैं बीमारियों से, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। हमारे साथ हैं डॉक्टर तनुजा नेसरी, आप डायरेक्टर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड शी इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। हमारे साथ आज की डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर परमीत कौर, चीफ डाइटिशियन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और डिस्कशन में आज साथ में जुड़ने वाले हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बिष्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक्स फ्रॉम स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या महत्व है मिलेट्स यानी श्री अन्न का हमारे स्वास्थ्य के लिए। सबसे पहले डॉक्टर तनुजा नेसरी, आपसे कहना जानना चाहेंगे कि आजकल की जो जीवन शैली है, बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और सभी लोगों में फास्ट फूड खाने की आदत और चटपटा स्वादिष्ट भोजन की आदत तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कितना पौष्टिक है उस पर ध्यान नहीं जाता। किस तरह से उपयोग बताना चाहेंगी और महत्व बताना चाहेंगी खास तौर पर मिलेट्स का हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए? मिलेट्स ये आयुर्वेद में स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, प्रिवेंशन के लिए, प्रमोशन के लिए और व्याधि के नाश के लिए मिलेट्स का आयुर्वेद में बहुत महत्व बताया है। मिलेट्स जैसे आपने अभी बताया कि वो पोषक तत्वों से भरपूर है, वो पचने में आसान है, लघु है, लेकिन जो जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं, लाइफस्टाइल और सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनके लिए ये एक वरदान है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको लघु लेखन क्लेद शोषण ऐसे कहा है और कफ और मेद को कम करने वाला है। तो जो संतरपणोत्थ एक्सेस से होने वाले बीमारी है या मोटापा है, इनके लिए दिन में कम एक बार कोई भी मिलेट ऋतु के अनुसार, देश के अनुसार और प्रकृति के अनुसार लेना चाहिए, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कंगुनी, इन सब का समावेश है। जी जी। और दूसरी बात ये है कि मिलेट्स को केवल मेद कम करने वाला, कफ करने वाला ऐसा भी बताया है,
लेकिन उसको क्लेद शोषक कहा है, मतलब जिससे सिक्रीशन से अत्यधिक होने वाली बीमारी है, जिसमें सर्दी खांसी जुकाम भी है, डायरिया है, इरिटेबल बॉबल कोलम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं, या हार्ट की बीमारी, इन सब में भी बहुत उपयोगी है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जो मोटापा से जिसको प्रमेह आयुर्वेद में कहते हैं, और डायबिटीज में ये वरदान है। और इसके लिए मिलेट के, मतलब गेहूं से छोड़कर अगर आप कोई भी मिलेट का अन्न सेवन करें, संस्कारित मिलेट की रेसिपीज जो व्यंजन है वो बनाएं, और ऋतु के अनुसार और देश के अनुसार, जैसे नॉर्थ इंडिया में है तो पराठा, रोटी, खिचड़ी, दलिया, ये सब मिलेट का स्टेपल फूड से लेके व्यंजनों तक हम ले सकते हैं। मिठाई भी अगर पायस है, लड्डू है, एनर्जी बार ले सकते हैं। और साउथ इंडिया में उसका डोसा बनता है, इडली बनता है, रागी मुद्दे बनते हैं, तो इसी प्रकार को मिलेट को हम सुबह से लेके शाम तक समावेश करते हैं, जिसमें प्रिवेंशन, प्रमोशन और डिसीज़ मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से होते हैं, जिसको हमने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में भी एक इंटरनेशनल मिलेट ईयर को ध्यान में रखते हुए एक पथ्याहार सेक्शन शुरू किया है, जिसमें सब व्यंजन मिलेट से बनाए मिलते हैं। और इससे रुग्ण भी और वहाँ का हमारा स्टाफ भी बहुत खुश है और स्वस्थ भी हैं जी। इस पर कुछ और जानकारी लेंगे, उससे पहले डॉक्टर परमीत, जब बात आती है मिलेट्स की तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि इन्हें बनाना शायद उतना आसान नहीं या टेस्टी ज़्यादा नहीं होते, किस तरह से बताना चाहेंगे अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए और कंपेयर किया जाए चावल से या फिर गेहूं से, तो क्या फ़र्क है और किस तरह से लाभान्वित करते हैं हमारे स्वास्थ्य को मिलेट्स? अगर हम इसको, जो हमारा स्टेपल फूड है राइस और वीट, इससे कंपेयर करें तो जितने भी मिलेट्स हैं इनकी न्यूट्रिएंट डेंसिटी ज़्यादा है। अगर हम न्यूट्रिएंट डेंसिटी कहते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है, और रागी जैसे है उसमें कैल्शियम ज़्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरीके की जो बीमारियां आजकल है हमारे देश में हम ज़्यादा देख रहे हैं, एक तो अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कि जिसमें डेफिशिएंसी डिजीज़ होती हैं मेन विटामिन्स और मिनरल्स की, उसको हम कोप अप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं जिसकी वजह से हम फाइबर कम ले रहे हैं आजकल, तो उसको भी हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि और एक और ख़ास बात है इसके अंदर कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे हमारे सिस्टम में रिलीज़ होगा, तो जो ग्लूकोज का स्पाइक होता है ब्लड में वो कम होता है। तो इसलिए ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है और डायबिटीज़ के लिए तो अच्छा है ही है। साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स रिच होने की वजह से जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट डिजीज ज़्यादा हो रही है, तो उसको भी रोकेगा ये। तो ये ओवरऑल जो है वरदान है आजकल के एरा में, वो हम कह सकते हैं इसको, और बहुत ही एप्रोप्रिएट है। दूसरी आपने बात की प्रोसेसिंग के बारे में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो ग्रेन होता है इसमें फाइटिक एसिड है, टैनिन्स हैं, जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो अभी मैंने आपको बोले इसकी एब्जॉर्प्शन को रोकता है। तो इनको हमें अगर रिलीज़ करवाना है बेटर वे में, तो जब हम अगर ग्रेन ले रहे हैं पोहा बनाने के लिए या इसका राइस या पॉरेज बनाने के लिए, तो 10 से 12 घंटे के लिए इसको भिगो के रखिए पहले, और उसके बाद उसका पानी फेंक दीजिए, और उसके बाद अगर आप इसको जर्मिनेट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अंकुर बना के अगर उसको अंकुरित करते हैं तो उसकी जो विटामिन सी है, विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स है, ये मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, मेनी फोल्ड्स, तो वो बहुत ही अच्छा है हमारी बॉडी के लिए। और साथ ही साथ इसको अगर हम उसके बाद पीस के फर्मेंटेशन करें तो वो और भी अच्छा है, तो उससे और न्यूट्रिटिव वैल्यू एनहांस हो जाती है। जी। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि कॉन्स्टिपेशन के लिए तो अच्छा है, साथ ही साथ आजकल
कोलोरेक्टल कैंसर की भी बहुत आजकल केसेस हो रहे हैं, वो जो लो फाइबर की वजह से हैं। तो अगर हम ये प्रॉपर प्रोसेसिंग करके लेते हैं तो ये सारी जो बीमारियां हैं जो आजकल की, इन सबको हम एस्केप कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर बेस्ट, बच्चों की अगर बात की जाए, क्योंकि बचपन ही वो अवस्था है जहां से शुरुआत होती है सही पोषण मिलने की और आधार बनता है आने वाले जीवन के लिए, कितना महत्वपूर्ण है कि मिलेट्स को उनके आहार में शामिल किया जाए, क्योंकि उनकी ग्रोथ की बात है, विकास किस तरह से होगा सब वहीं से निर्धारित होता है। धन्यवाद किरण, आई एम सो हैप्पी कि हमें इतने सारे बातें मैडम डॉक्टर तनुषा डॉक्टर प्रमित ने बताई। बच्चों में कैसे करा जाए, जो स्टडीज बता रही हैं डॉक्टर सीता अनीता की स्टडीज है, सिस्टमेटिक रिव्यू है जिसने बताया कि बच्चों को 8 मेजर ट्रायल्स जो रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, क्योंकि हम एलोपैथी में एविडेंस के साथ बात करते हैं, हम किताबों में लिखी बातों से बनस्पत जो एविडेंस लेटेस्ट आया उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसने पता चला है कि बच्चों का वजन बढ़ा है, बच्चों की हाइट बढ़ी है, बच्चों का मिड आर्म सर्कमफेरेंस बढ़ा है, जो कि जो ग्रोथ के पैमाने हैं, जो हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के पैमाने हैं, जिन बच्चों को दिया गया हैदराबाद के कई स्कूलों में ऐसा करा गया था और उन्होंने बच्चों का वजन हाइट मिड आर्म सर्कमफेरेंस जो है वो बढ़ा है। पुराने जमाने से ही हमारे घरों में जो आंध्रा है, तमिलनाडु है, मैं कुमाऊं रीजन से हूँ उत्तराखंड के, और हमको बचपन से ही हमें मड़वा जिसे रागी जिसे फिंगर मिलेट कहते हैं, हम उसकी रोटी हमेशा से खाते थे और उसमें कैल्शियम ज्यादा है जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बोला है, और कैल्शियम कई गुना 10 गुना ज्यादा 343 मिलीग्राम ज्यादा है बनस्पत वीट और राइस के, जिसके अंदर सिर्फ 25-30 मिलीग्राम आयरन होता है 100 ग्राम के अंदर। सो कैल्शियम ज्यादा है, आयरन ज्यादा है, आयरन जहां तक एब्जॉर्प्शन का सवाल है, एब्जॉर्प्शन में फाइटेट जैसे डॉक्टर प्रवीण ने बोला फाइटेट आयरन होता है, कुछ डाइवेलेंट कैटाइन्स का एब्जॉर्प्शन कम करते हैं ये, जो कि स्वास्थ्य के लिए हो सकता है बेहतर होगा, बट हाँ कुछ तरीके से उसको इम्प्रूव करा जा सकता है, उसके साथ आप कुछ लाइम नींबू या कुछ ऐसी चीज लें जिससे कि आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन बेटर हो सकता है और जैसे आयरन का जर्मिनेट करने से बेहतर रहेगा। बच्चों में खास तौर पे जो बच्चे क्योंकि वीट शायद हमारा एक बीमारी है और सीलिएक डिजीज जो ग्लूटेन सेंसिटिविटी से होती है, और क्योंकि शायद गेहूं हमारा अपना था या नहीं था, मगर ये बीमारी जो मिलेट्स है जो श्री अन्न है आपके ज्वार बाजरा मडुआ रागी इन सब में ग्लूटेन नहीं होता है, तो इन सब को ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले जो बच्चे होते हैं और जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस वाले लोग होते हैं उनको उनके लिए तो ये बहुत ही बहुत अच्छा है, उन्हें हाइट बहुत अच्छी बढ़ेगी। मैडम ने जैसे बोला इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, इसमें स्लो रिलीजिंग स्टार्च होता है जो धीरे धीरे स्टार्च रिलीज होता है एंड ऑब्वियसली इमिडिएटली ग्लूकोज नहीं बढ़ाता है, मैडम हैज ऑलरेडी सेड सो। अदर थिंग इज इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस लाइफ साइड डिजीज बिकॉज वी हैव फाउंड दैट एंड हम उसे आप साइंटिफिकली बोल सकते हैं कि जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपका जो एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस है जो बॉडीज के जो हमारी धमनियों में फैट जमा हो जाता है उसको जमा नहीं होने देंगे, तो हार्ट का रिस्क कम होगा, डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स का रिस्क कम होगा। एंड कैंसर के बारे में मैंने डॉक्टर प्रमित ने बताया था कि क्योंकि ये फाइबर में डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा है, तकरीबन आप देखेंगे किसी किसी के अंदर 10-15% से लेके किसी किसी में 30% डाइटरी फाइबर है, रागी के अंदर अगर आप देखें तो 30% डाइटरी फाइबर है, दैट स्लोस द एब्जॉर्प्शन ऑब्वियसली एंड इम्प्रूव गट मोटिलिटी, कॉन्स्टिपेशन कम करेगा, जो हार्मफुल इट्स अ डिटॉक्सिकेंट डिटॉक्सिफाइंग एजेंट आल्सो, बहुत सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं जो हम रोज खा रहे हैं खानों में उनको भी ये उनको भी रोकता है, हमारे पॉइजनिंग को भी एक तरह से आप कह सकते हैं जो शरीर में अंदर से पॉइजनिंग चल रही होती है वो कम होती रहती है। मैडम ने बोला एसिड कम करता है तो ऑब्वियसली एसिडिक डिसऑर्डर्स के लिए बेटर है। जी, तो बहुत सारे फायदे हैं, न सिर्फ बीमारियों से बचाव करता है, हमारे पाचन तंत्र को और पूरे शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है जिससे बीमारियों का खतरा भी कम होता है। डॉक्टर तनुजा नेसरी, जब मिलेट्स की बात करते हैं तो ज्वार बाजरा रागी के विषय में तो लोग जानते हैं, और कौन से मिलेट्स हैं, और दूसरी बात जो वैरायटी में खाने की बात है कि क्या इनसे बनाया जा सकता है, इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है, आपके इंस्टीट्यूट की बात करें या ओवरऑल देखा जाए कि लोगों तक ये सही और पूर्ण जानकारी पहुंचे कि जो मिलेट्स हैं वो कौन से हैं और किस तरह से उनका उपयोग किया जा सकता है।
जी, अभी आपने जैसे मेजर मिलेट और माइनर मिलेट की बात करी, इसमें भारत के सभी स्टेट में मुख्यतः बाजरा, ज्वारी, रागी, उत्तरी प्रदेश में कोदो, कंगुनी, इसका प्रयोग होता है। लेकिन अगर उसके व्यंजनों की बात करें तो उसको एक भारतीय परंपरा, हमारी जो फूड डाइवर्सिटी है उनकी बात करें, आयुर्वेद की बात करें, तो उनको लेने का तरीका भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पचने के लिए, हजम होने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाजरा आयुर्वेद के अनुसार उष्ण होता है, गर्म मिजाज का होता है, पित्त प्रकृति के लिए, गर्म के लिए, तो हमेशा उसको मक्खन के साथ लेते हैं। ऐसे ज्वार है, ज्वार की रोटी हमेशा घी के साथ लेते हैं जी। दूसरी बात है कि महाराष्ट्र, राजस्थान या कर्नाटक में अगर आपने मल्टीग्रेन की बात करी तो बाजरा, ज्वारी और उनमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रोटीन, जैसे दालें ऐड करके थाली पीठ या ऐसे मल्टीग्रेन का पराठा बनाते हैं, वो भी मक्खन के साथ लेते, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रेसिपी इम्पोर्टेंट है, जिससे उसका अधिक से अधिकम फलम, ऐसा लाभ होते हैं। ऑल इंडिया में जो हमने किया वह एक कैलेंडर हमने बनाया कि उसमें 12 महीने के जो सभी मिलेट्स है वो हर एक मिलेट का क्या उपयोग है, कैसे लेना, ये बताया है। और ऐसे हमारा एक पथ्याहार सेक्शन है जी, जिसमें हमने केवल मिलेट से बने जो व्यंजन है वो 25 से भी ज़्यादा है। जैसे आपने देखा बच्चों को रागी फिंगर स्नैक्स है, तो ये रागी का फिंगर, रागी और ज्वार से बने हैं, ये उड़द और रागी से बने लड्डू हैं, जो मल्टीग्रेन आटा मोटापे पे लेना है तो ये ज्वार, बाजरा, रागी और वैल्यू एडेड है, ऐसे हर्बल टी है, ऐसे कई सारे व्यंजन हमने मिलेट से बने बनाए हैं। और ऐसा हर कोई अपने यहाँ घरों में जो हमारे दादी माँ, नानी माँ के नुस्खे परंपरा से बनाए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए अगर यूज करें तो पचन में भी ठीक होगा, एसिडिटी नहीं होगा, इरिटेबल बॉवेल कोलन में, मोटापे में, कैंसर में, हार्ट बीमारी, ब्लड प्रेशर, ये सभी में उसका बहुत लाभ होगा और स्वस्थ भी रहे और खुश भी रहेंगे जी। डॉक्टर परमीत, आप जो प्रोसेसिंग की बात कर रही थी कि किस तरह से खाना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। डायबिटीज की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े रहते हैं और हृदय रोग का भी खतरा है। किस तरह से हम अपने आहार में बदलाव कर सकते हैं जिससे जो बीमारियों का खतरा है वो भी कम हो और आसान हो जाए जो मिलेट्स हैं उनका सेवन करना? सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि जो हम हेल्दी ईटिंग प्लेट होती है, जिसमें ये होता है कि हमें जो प्लेट में हमारा खाना है वो किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल बैलेंस डाइट की बात करें तो प्लेट के अंदर जो आधी प्लेट है, 7 से 9 इंच की प्लेट होती है जनरली, तो आधी प्लेट फल और सब्जियों की होनी चाहिए, 1/4 सीरियल की होनी चाहिए और 1/4 पल्सेस की होनी चाहिए। तो जब भी हमने मिलेट्स लेने हैं तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करके लेने हैं जिससे कि इसकी प्रोटीन क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इम्प्रूव होगी और जो है ओवरऑल जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, बीमारियों की मैनेजमेंट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, तो उसको हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जो सीरियल्स हैं वो लैकिंग होते हैं अमीनो एसिड लाइसिन में, और पल्सेस जो हैं वो सिस्टीन, मेथायोनिन इनमें होते हैं, ट्रिप्टोफैन में होते हैं। तो जब हम इनको कॉम्प्लीमेंट करके लेते हैं, मिला के लेते हैं इक्वल प्रोपोर्शन में, तो ये बैलेंस हो जाता है, तो प्रोटीन क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, तो जो हमारा टारगेट है हम उसको अचीव कर पाते हैं बैलेंस डाइट का। डॉक्टर सुरेंद्र बिष्ट, किस तरह से बच्चों को आदत डाली जाए, क्योंकि अक्सर जो आदतें बचपन में डाली जाती हैं वही हैबिट्स दे गो अ लॉन्ग वे। किस तरह से पेरेंट्स हेल्दी ईटिंग की हैबिट डालें और ख़ास तौर पर मिलेट्स को शामिल करने की, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये जो आपने सही कहा किरण कि किस तरह से उसको ग्लैमराइज करा जाता है, तो इसमें विज्ञापनों का जो हमारे मीडिया है
आप जिस तरह से बता रहे हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान होगा परिवार लोगों को समझाने में, लोगों को बताने में, क्योंकि अगर उनको फास्ट फूड के ऐड दिख रहे हैं, उनको बिस्किट दिख रहे हैं, बिस्किट देखते हैं बच्चा खुशी से झूम रहा है, ऐसा उन्हें ऐड दिखता है तो लगता है यही है, कोल्ड ड्रिंक दिख के लगता है वाह बच्चा इज सो हैप्पी और लोग खुश हो रहे हैं, एडल्ट हो रहे हैं, उनकी ताकत आ जा रही है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको लगता है। पहले जमाने में ये सब नहीं होता था, पहले में तो जो हमारी दादी नानी हमें खिलाती थी, हमें रागी का जो बड़वा है उसकी रोटी बना के खिलाई करती थी, या मक्के की रोटी गुड़ के साथ हम खाया करते थे, या साग के साथ खाया करते थे, और उसको सब लोग बड़े चाव से खाते थे, आज उसको खुशी खुशी कर रहे होते थे कि आज तो मक्के की रोटी बनेगी, और तो उस तरह से एक माहौल सा रहता था कि आज अच्छा खाना बनेगा। अब इनको क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश से माना जाता है, इसको पिछड़े से जोड़ा जाता है, और हमको लगता है कि हम जो हमारा पश्चिमीकरण हुआ था या वेस्टर्न, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि एवरीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर का है वो बेटर है। तो जो फास्ट फूड के तरीके हैं, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री ने, जैसे मैडम ने बोला कि इसको अच्छी तरह से फिंगर स्नैक्स के रूप में करा गया है, जो बिस्किट्स आ रहे हैं, हाई फाइबर बिस्किट्स आ रहे हैं जिसके अंदर ये सब बनाए जा रहे हैं, दे आर कमिंग बैक इनटू फोल्ड, दे आर कमिंग बैक, इनफैक्ट इट इज द रोल ऑफ द मीडिया, द सोसाइटी, द लीडर्स ऑफ दिस एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स अक्रॉस द कंट्री टू पब्लिसाइज इट, और इसको हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और इस पे हमें स्कूलों की सहभागिता का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चे बचपन से ही स्कूलों में जानेंगे, टीचर्स उनको बताएंगे, और स्कूल की कैंटीन में ये सब उपलब्ध होगा तभी होगा। अगर स्कूल की कैंटीन में अगर कोल्ड ड्रिंक ही मिल रही होगी या समोसे मिलेंगे या बाकी चीजें मिलेंगी तो फिर वहां पे बच्चे नहीं खा पाएंगे। जाहिर तौर पर उपलब्धता की बात है, अगर आसानी से उपलब्ध हो तो जाहिर तौर पर बच्चों को जो है आदत बचपन से ही लगेगी हेल्दी ईटिंग की। मिलेट्स किस तरह से खाए जाएं और उसका टेस्ट डेवलप करना वो बचपन से किया जा सकता है। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर तनुजा। एक ईमेल आया है, सुरेश जी हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको अक्सर कफ की समस्या रहती है, क्या मिलेट्स का सेवन करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। अभी का जो सीज़न है वसंत ऋतु, उसमें जितने भी बाजरा ज्वार इसके मिलेट का ही सेवन है, तो कफ की बीमारी के लिए उनको बाजरे का खिचड़ा हो, रोटी हो या दलिया हो, इसी फॉर्म में अगर वो लेंगे, इवन बाजरे का आटा है उसका धुआं वो भी कफ बाहर निकालता है, तो बाहर अभ्यंतर किसी भी फॉर्म में उसकी लपसी भी अगर ले ले तो भी वो बहुत लाभकर होगा। और उसमें जो मसाले हैं, धनिया, काली मिर्च, दालचीनी, ये डाल के अगर ले हल्दी के साथ, तो कफ और जल्दी कम होगा जी। अब हम चाहेंगे हमारे सभी विशेषज्ञ एक शॉर्ट आंसर्स राउंड के लिए हम लोग जाएंगे, तो छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब, कुछ भ्रम है जिन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल डॉक्टर तनुजा नेसरी आपसे कि क्या मिलेट्स का सेवन सिर्फ बीमार लोगों के लिए ही फायदेमंद है? नो, मिलेट का सेवन रोज करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, वो और अधिकतर फायदेमंद है बीमारी प्रिवेंशन के लिए और फिर डिसीज मैनेजमेंट के लिए उसको लेना चाहिए। डॉक्टर कौर, मिलेट्स से क्या प्राप्त होता है, फाइबर, विटामिन्स या खनिज यानी मिनरल्स? सभी कुछ इससे मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी साथ में मिलते हैं, और सेटाइटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है इसकी, मतलब कि जो लोग वेट मैनेजमेंट के लिए सोचते हैं तो अगर थोड़ा भी खाएंगे तो ये ज़्यादा देर पचने में इसका टाइम लगता है, तो भूख कम लगेगी, तो जो मोटापा की बीमारी है आजकल तो उसको भी हम नियंत्रण में कर सकते हैं। और छोटे जवाब चाहेंगे डॉक्टर बेस्ट, क्या जो मिलेट्स हैं वो सिर्फ वयस्कों के लिए ही अच्छा विकल्प है, बच्चों को नहीं दिए जा सकते? मुझे तो बचपन से बहुत अच्छे लगते थे, तो मैं तो कहूंगा कि मेरे को तो अपना जो बाजरा, मक्के की रोटी और भरवे की रोटी जो मेरी नानी और दादी बनाते थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते जी, मेरे को तो बहुत। डॉक्टर तनुजा नेसरी, मिलेट्स भी दूसरे अनाजों की ही तरह हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता, क्या कहना चाहेंगी? मिलेट ये हमारा स्टेपल फूड है भारतीय लोगों का, सबसे पहले पुरातन काल से मिलेट ही हमारा मुख्य आहार है, उसी को ही हर किसी को लेना चाहिए। डॉक्टर परमीत कौर, मिलेट्स को बनाना मुश्किल है और इसमें बहुत अधिक समय लगता है? नहीं, ये तो आई थिंक ऐसा नहीं है, मिलेट्स को थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिशनली अब हम कल्चरली शिफ्ट हो गए थे राइस और वीट की तरफ, लेकिन अगर हम इसके बारे में दोबारा सोचें तो बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है जी। डॉक्टर बेस्ट, जो मिलेट्स का टेस्ट होता है बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए पेरेंट्स के लिए उनको मिलेट्स खिलाना मुश्किल है?
किरण, टेस्ट अच्छा होता है अगर बनाने वाले को बनाना आता है तो, अगर क्योंकि हम बनाना भूल गए, इसीलिए मेरे बच्चे को अच्छा लगता है तो मैं उनको खिलाता हूँ, तो दे लाइक बचपन से खा रहे हैं। बहुत बेहतरीन। डॉक्टर तनुजा नेसरी, क्या बेहतर है, ज्वार, बाजरा, रागी या सामा? सब कुछ बेहतर है, हर सीजन के अनुसार। विंटर में बाजरा अच्छा है, समर में ज्वार अच्छा है, सभी सीजन में रागी अच्छा है और व्रत में सामा अच्छा है। तो हर किसी को समझ के लेंगे तो वो हर कुछ अच्छे है जी। डॉक्टर परमीत कौर, क्या मिलेट्स के पाचन में मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा समय लेते हैं? इसमें दो बातें हैं। इसके लिए जरूरी है कि प्रोसेसिंग ठीक से की जाए जिससे कि पाचन बेहतर हो जाए। तो जैसे पहले मैंने कहा था कि उसको सोक करके रखना है, पहले 10-12 घंटे पानी फेंक देना है और उसके बाद फिर आपको कुक करना है, तो फिर पाचन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। डॉक्टर बिष्ट, क्या मोटे बच्चों को मिलेट्स देने से लाभ होगा? हाँ, जैसे डॉक्टर तनुजा परमीत ने कहा है, ये से स्लो, इनफैक्ट जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, जो बचपन आप देखें 70-80% बच्चे जो है आजकल मोटे मोटे दिखाई दे रहे होते हैं हर जगह, अगर मिलेट्स का उपयोग करेंगे तो वो बच्चे एक्टिव भी रहेंगे और उनको कैल्शियम और बीटा कैरोटीन और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। डॉक्टर तनुजा नेसरी, मधुमेह रोगियों के लिए मिलेट्स देना कितना अच्छा और उपयोगी? मधुमेह रोगियों के लिए मिलेट का ही खाना चाहिए क्योंकि उसमें हाई फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो मधुमेह रोगी को मिलेट सुबह शाम दोनों तरफ दोनों समय इसका भिन्न प्रकार के व्यंजनों में लेना चाहिए जी। डॉक्टर परमीत कौर, क्या संदेश आप देना चाहेंगी एक वाक्य में हमारे व्यूअर्स के लिए? मिलेट्स जो है पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इसको हर रोज खाएं और अपनी बैलेंस डाइट का ये रोज हिस्सा बनाएं। डॉक्टर बेस्ट, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? तो हमें अपनी संस्कृति और जो हमारा पुरातन काल से चला आ रहा खान पान है उस पे जाना चाहिए, बिकॉज उससे हम स्वस्थ रहे थे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा जी। डॉक्टर तनुजा नेसरी, क्या कहना चाहेंगी? अपने आदत में शामिल करना मिलेट्स का सेवन और सभी लोगों को इसके विषय में जागरूक करना, क्या महत्व? स्वस्थ समाज के लिए, अपने स्वस्थता के लिए मोटा अनाज, श्री अन्न और मिलेट, इसी को ही आहार का एक हिस्सा बनाइए। हर ऋतु के अनुसार ले लीजिए, देश के अनुसार लीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए सभी विशेषज्ञों का। और कहा जाता है वी आर व्हाट वी ईट, यानी हम जो खाते हैं वैसा ही हमारा स्वास्थ्य बनता है और वैसे ही हम बनते हैं, और आदत जो है वो धीरे धीरे पड़ती है। इसलिए श्री अन्न को खाने की आदत यानी मिलेट्स को अपने आहार में शामिल करने की आदत डालिए, जागरूक रहिए, बिकॉज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचाव करना है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार मुख्य आधार है, अपना आधार जितना मजबूत होगा उतनी ही मजबूत बनेगी स्वास्थ्य की इमारत। इसलिए अपने आहार का विशेष ध्यान रखिए और सेहतमंद रहिए। टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, नमस्कार।